सो आज TX का मैचेस हुआ जिसमें यहाँ पे वो लोग टॉप फोर नहीं आ पाए, तो अब क्या होगा सब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे ग्राउंड फोर का एक ग्रुप का मैचेस कंप्लीट हो चुका है, ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख सकते हो। टॉप पे है ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स। भाई ब्लाइंड ने क्या ही खेला है, ये अभी तक का सबसे ज्यादा टफेस्ट ग्रुप था। टॉप फोर आना था, टॉप पे भाई 64 किल पॉइंट फिनिश पॉइंट। सेकंड पे ग्लिच एक्स रिबॉर्न, ये एक अंडरडॉग टीम है। थर्ड पे है ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स, तो ये लोग भी थोड़ा सा खराब खेल रहे थे, मतलब पोजीशन नहीं मिल रहा था बट फिर भी खेल जाते हैं। टॉप थ्री एंड ऑटोबॉट्स ईस्पोर्ट्स। भाई ये लोग का तो लास्ट गेम उतना अच्छा गया नहीं, बट भाई ये लोग टॉप फोर आ गए, ये लोग डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए। अब बहुत सारे टीम्स नीचे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाई, जैसे टीम साइक, फिर टीम एक्स स्पार्क। भाई आज कमबैक की थी, दोनों गेम में बहुत ही बढ़िया खेले, लास्ट गेम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल अगर गेम अच्छा होता तो फिर आज क्वालिफाई कर जाती। खैर अभी यहाँ पे आउट नहीं हुए BGIS से, मैं आगे बताता हूँ। फिर इसमें यहाँ पे बहुत सारी टीम है, DWM, फिर ट्रबल मेकर्स, वेलोसिटी, हैदराबाद हाइड्रास, तो ये सब टीम्स है और कुछ और अंडरडॉग्स। तो ये लोग अभी बाहर नहीं हुई है BGIS से, सब टीम्स को मौका मिलेगा लूजर ब्रैकेट से आने का, मतलब जो भी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई टॉप फोर के बाद, तो 12 टीम हर एक ग्रुप से लूजर ब्रैकेट में जाएगी। राउंड फोर में भाई यहाँ पे 4 ग्रुप है, तो हर टीम हर ग्रुप से 12-12 टीम जाएगी, मतलब 48 टीम्स लूजर ब्रैकेट में जाएगी। यहाँ पे स्काउट भाई ने भी एक स्टोरी लगाया, देख सकते हो, नाइस ट्राई बॉयज, अब लूजर ब्रैकेट से जाएंगे, मतलब लूजर ब्रैकेट खेलेंगे, उसमें भी सेम चीज होगा, टॉप फोर आना होगा तब वो लोग आगे बढ़ेंगे। और लूजर ब्रैकेट में 16 टीम्स राउंड थ्री से भी जो गई है वो लोग भी जाएंगे, और इसमें गॉडलाइक नहीं है, गॉडलाइक यहाँ पे कंफर्म कर दी है कि वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो चलो यार यहाँ पे टेंशन का बात नहीं है, अभी यहाँ पे सोल का मैचेस होने वाला है, तो उसमें होप करते हैं कि टॉप फोर टीम्स सोल आ जाए, देखते हैं क्या होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके।